जैसा नाम वैसा काम, मदद गरीबों की। अपने जेब खर्च से मदद का सिलसिला कब से चला, कब तक चलेगा, यह मदद करने वाले भी नहीं जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। कोरोना के समय की मदद रमजान में भी चालू रहेगी, अब तो परिजन भी पैसा देने लगे हैं। घोघर मोहल्ले के कुछ लोगों ने मदद नाम की एक संस्था बनाई। मदद नाम की संस्था बनाकर मदद करना उन्होंने चालू कर दिया, वह भी गरीबों असहाय जो कोरोना के समय परेशान थे। कोरोना का समय तो नहीं बीता, इसी दौरान रमजान का महीना आ गया। रमजान में भी इन बच्चों ने यह काम अपना चालू किया, अपने जेब खर्च से लगातार इसको चालू रखा। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ये लड़के दिन भर रोजा रखते हैं। इस काबिले तारीफ बात यही है कि ये लड़के दिन भर रोजा रखते हैं, पैकेट बनाते हैं, शाम के समय उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके पास दूसरे दिन रोजा रखने के बाद रोजा खोलने के लिए खाने पीने का किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं है। हमारी टीम ने इनसे बात की, इन लड़कों से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना था। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, आप अपने टीवी स्क्रीन में इस बोर्ड को देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है इसको भी शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। लेकिन इन लड़कों ने इस शब्द का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पिछले 40 दिनों से हमारी टीम इस खबर पर लगातार नजर रखे हुए है। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यही एक बड़ा सवाल था। हमने जानने समझने की कोशिश की, हालांकि ये लोगों ने बताने से पहले तो मना किया, फिर भी हमने पूछा, लगातार जानने का प्रयास किया ये नाम क्यों रखा और इसके पीछे मकसद क्या है। मदद नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था वो लोगों की मदद करना था। भूख का प्यास का कोई मजहब नहीं होता, जब इंसान को भूख लगती है तो उसे कोई धर्म नहीं दिखता है, इसलिए हमने इसको कोई पॉलिटिकल नाम नहीं देके हमने इसका मदद नाम रखा। और क्यों किया, इसका जवाब यही है कि हमारे हदीसों में भी लिखा है कि आपका पड़ोसी भूखा नहीं होना चाहिए, तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारे पड़ोसी हों वो भूखे नहीं सोना चाहिए। फिर आपका दूसरा सवाल था कैसे किया, तो हम कम से कम 25-30 लड़के हैं जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों लोग हैं, और अपने जेब खर्च से अपने घर में माँ बाप से जिससे जितना हो सकता है वो पैसे लाते हैं, हम यहाँ पर राशन इकट्ठा करते हैं और जो भी ज़रूरतमंद होता है जो हमारे दरवाजे आता है हम उसको भी देते हैं, जो किसी तरह नहीं आ पाता हमें पता लगता है तो हम उसके घर तक पहुंचाते हैं। हम उसके घर तक राशन पहुंचाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारे यहाँ आके वो ले जाए। हम जानने की भी कोशिश नहीं करते कि वह शख्स कौन था, हम न जाति देखते, न धर्म देखते, न मजहब देखते। हम ये जानते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी, हमें अपने नाम को सार्थक करना है, हमें अपने नाम को सार्थक करना है। मदद नाम हमने बहुत सोच समझ कर रखा है, लोगों को मदद करने का एक दिल में जज्बा था, उसी जज्बे से हमने यह काम करने का प्रयास किया। यह जज्बा हमें हमारे माँ बाप ने दिया था। हमारे साथ मदद संस्था के तमाम लोग हैं, मैं सबसे उनसे बात करूंगा और निश्चित रूप से यह आपको जरूर दिखाऊंगा कि मदद क्यों और कैसे क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या मदद पहुंचा रहे हैं। मदद कर रहे हैं अनाज को लेकर, जो कच्चा राशन होता है वो लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, और जो हमारे पास आते हैं उनको हम दे रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अकरम भाई ने कहा कि भूख का कोई मजहब नहीं होता, भूख लगने पर सिर्फ इंसान को खाना और अनाज दिखता है कि किस तरह अनाज उसके हाथ पे रहे, उसके बच्चे भूखे ना रहें, वो खुद भूखा ना रहे, और जिस तरह की बीमारी चल रही है तो उस हिसाब से ना तो किसी के पास रोज़गार रह गया न किसी के पास पैसे रह गए। तो हम लोगों का सिर्फ यही उद्देश्य था कि किसी तरह कोई भी हमारे शहर के अंदर जो गरीब व्यक्ति है वो भूखा ना रहे, भूखा ना रहे। आप बताइए जी, क्या कहेंगे आप, आपके पीछे कुछ पैकेट हैं जी, कितने पैकेट रोज बना लेते हैं आप लोग जी? अभी तो फिलहाल रमजान चल रहा है, तो रमजान में हम लोग शाम को ही एक्टिव होते हैं और 30-35 पैकेट अपन वितरण करते हैं। रमजान की वजह से थोड़ा सा काम शुरू, मतलब थोड़ा सा स्लो हुआ है, दिन में काम नहीं हो पाता है, शाम की हो पाता है। ये पैकेट बने हुए ये अभी शाम को खत्म भी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हम लोग को कहाँ चले गए। शाम को खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कल की फिर किस तरीके से तैयारी होगी? हम लोग रात में ही तैयारी कर लेते हैं, जो तमाम पैकेट आपको दिख रहे हैं ये हम लोगों ने रात में ही बैठ के बनाए हैं,
और कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग आज सुबह यहाँ पे आके बैठे हुए हैं तो कुछ लोग हमारे पास यहाँ पे सुबह आ जाते हैं लेने, जिनको ज़रूरत होती है, जो भूखा होता है वो खुद ही चल के आ जाता है। फिर शाम को हम लोग एक प्लान करते हैं कि हमारे जैसे 20-25 लड़के हैं हम लोग, तो 5-5 लड़के अलग अलग एरिए में चले गए और 10-10, 20-20 पैकेट लेके उस जगह में पहुँचा दिया, या जो यहाँ पे शाम को भी आया तो उनको भी हम लोग 7 बजे से लेके 10 बजे तक का टाइम है शाम को बैठने का, वो भी देते। अगर मान लीजिए कोई दिन में भी आता है, दोपहर में भी हम लोगों को पता चलता है तो यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, फ़ोन कर देते हैं हम लोगों को, तो हम लोग उस टाइम पे भी लोगों की मदद कर देते हैं, आके खोल देते हैं अपना ये कार्यालय। बताइए जी, कैसा लगता है आपको जब आपके हाथ से खाना जाता है और किसी गरीब का चूल्हा जलता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देख के उनको, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं ये लोग। कब तक आप लोगों का ये सिलसिला चलता रहेगा? ये अभी लगभग तो चलता रहेगा, इंशाल्लाह आगे तक चलेगा। मदद शब्द का अर्थ क्या होता है अगर सही मायने में देखना हो तो आप घूघर मोहल्ले में आइए, मुस्लिम समाज के उन लड़कों के बीच में बैठिए जिनके बारे में मशहूर है कि ये लोग केवल चाकू और तलवार चलाना ही जानते हैं। इनको ये नहीं मालूम, मैं आपको एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पर पैकेट बने, 30-40 पैकेट बने और एक परिवार के लिए कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए यहाँ पर गल्ला रखा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, मुस्लिम समाज का सबसे पवित्र महीना इसको माना जाता है, इस महीने में माना जाता है इस्लाम को मानने वाले दिन भर सुबह से शाम तक बगैर खाए पिए अपने रोज के काम को निपटाया करते हैं। सही मायने में वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से खाली पेट भूखे रहकर अपने रोज के काम को ईश्वर की इबादत या अल्लाह की इबादत, नाम आपको देना है तय आपको करना, इबादत किसकी, लेकिन इबादत करते हैं, दिन भर इबादत करते हैं, रात को फिर से इबादत करते हैं। लॉकडाउन का दौर है, उसके बावजूद अपने जेब खर्च से जो माँ बाप 25-50-100 रुपए दिया करते थे, मोहल्ले के तमाम 100 से 200 लड़के उससे थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करते हैं, वो पैकेट बनाते हैं। इनका साफ तौर से कहना है हम उस चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं जिस चेहरे पर खुशी इस लॉकडाउन के दौर पर खत्म हो गई है, उसके पास खाना नहीं है। भूखे को खाना खिलाना ही आज की तारीख में सबसे बड़ी मदद है और हमारे इस ग्रुप का यही अर्थ है। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ।